नमस्कार, मैं हूँ रौनक और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉन्ग कनेक्शन पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ गदर 2 के नए गाने पर, जिसका नाम है मैं निकला गड्डी लेके। सो ये गाना आप लोगों को ऑलरेडी पता है, क्लासिक गाने का रीमेक है जो कि इसी फिल्म के पहले पार्ट का था। और मैं जो करने वाला हूँ आज, एज यूजुअल, पहले मैं ओरिजिनल गाने पर रिएक्ट करने वाला हूँ और उसके बाद रीमेक पर। तो सबसे पहले मैं रिएक्ट करने वाला हूँ गदर के मैं निकला गड्डी लेके फुल सॉन्ग वीडियो पर। देख लेते इसे क्या क्या किसने गाया था। इसे गाया था उदित नारायण सर ने, कंपोज किया था उत्तम सिंह ने, लिरिसिस्ट थे आनंद बख्शी और इसमें स्टार कर रहे हैं सनी डियोल और अमीषा पटेल। लेट्स रिएक्ट टू द ओरिजिनल वन एंड देन द रीमेक वर्जन। हियर इज माय रिएक्शन इन 3, 2, 1। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ये बचपन का मेरा फेवरेट गाना था। मैं निकला ओ गड्डी ले, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, वो उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट अमला पागल हो गया, उसकी जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो गया, वो जब जागा मैं भागा, वो सब सिग्नल मैं तोड़ आ, दिल छोड़ आया, बस एक नजर उसको देखा, बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी, क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी, ओ मैंने देखा एक सपना, संग उसके नाम अपना मैं जोड़ आया, मैं उसके दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उसके दिल छोड़ आया। शर्मा के वो यूं सिमट गई, शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से जाग गई, मैंने कहा कल सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई, वो समझी ओ घर उसके चोरी से, ओ चुपके से कोई चोर आया, मैं उस दिन छोड़ an iconic song। ये गाना जितने बार सुनोगे उतने बार आपको प्यार हो जाएगा। सबसे पहली बात, जो अच्छी बात
पुराने गानों के बारे में होती थी ना, कि चाहे वो डांस का गाना हो, मस्ती भरा गाना हो, उसके बीच में एक मेलोडियस पोर्शन जरूर रहता था, एक खूबसूरत पोर्शन है बीच में, अगर वो मेरा फेवरेट पार्ट है इस गाने का। एंड उदित नारायण सर, उनकी आवाज इतनी सुरीली होती थी एंड हर गाने में जान भर देते थे, तो ये बहुत अच्छी बात लगती थी मुझे उनकी, और उनकी आवाज सुनने के लिए दिल तरसता है अभी भी। एंड आई एम सो ग्लैड कि उनकी आवाज वापस लिए जा रहे हैं इसके ही रिमेक में। एंड इट्स या रिमेक डन ग्रेट। अगर आप सुने पहला वाला ऊर्जा काले का, जो इसका जो सेकंड पार्ट किया है 2.0, इट्स सो ब्यूटीफुल, राइट? तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये गाना भी उतना ही खूबसूरत होगा। सबसे पहली बात, अमीषा पटेल और सनी डियोल को उनके ही खुद के कैरेक्टर को जीते हुए देखना, इट्स मिरेकल एंड सम मैजिक इन इटसेल्फ। तो उनके बेटे को बड़े होकर उनके साथ झूमते हुए देखना, वो और भी ज्यादा मजेदार होगा। तो I'm really ready for this. Let's see. कुछ तो अच्छा, this is so amazing. मैंने अभी देखा जो मैं निकला गड्डी लेके 2.0 है, उसमें उदित नारायण के साथ आदित्य नारायण भी गा रहे हैं और मिथुन ने भी आवाज दी है। आदित्य नारायण उदित नारायण के बेटे हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर सनी डियोल के बेटे अभी यहाँ पे हुए हैं उत्कर्ष, तो उनकी आवाज दे रहे हैं आदित्य नारायण। इससे बड़ी अमेजिंग बात क्या हो सकती है। इसे वापस कंपोज किया है उत्तम सिंह ने, लिरिक्स दिए आनंद बख्शी ने। लेट्स रिएक्ट टू दिस, आई एम सो स्टोक्ड फॉर दिस। हियर इज माय रिएक्शन इन 3, 2, 1 एंड गो। ओ, मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना। कुछ और बंगला ना, मोटरसाइकिल दिला दीजिए ना। गड्डी लेके मैं निकला, ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पर, ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मौत दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मौत दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुटिया हो, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जाते अमला पागल हो गया, उसकी जुल्फों की छाओ में मैं बिस्तर डाल के सो गया, जब जागा ये भागा, सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, दिल छोड़ आया, हो एक मोड़ आया, मौत दिल छोड़ आया। शर्मा के वो यूं सिमट गई, शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से जाग गई, मैंने कहा गल सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई, वो समझी घर उसके चोरी से, चुपके से कोई चोर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, हो
मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ The original song is a vibe, is a proper vibe. You know, original होने के बावजूद उसके अंदर एक originality authentic है, intact है, अभी भी. और ये सबसे अच्छी बात है. ऐसे remix होना चाहिए जो कि modern जमाने की तरह है. I mean, modern mass audience को पसंद आएगा. At the same type का originality है उसके साथ, जो कि singers की आवाज, जो lyrics थे, वो same रखे हैं, कुछ change नहीं किया है, बस दो different singers गा रहे हैं इसमें. And it's amazing, amazing composition. EDM beats डाले गए हैं और जो slower portions हैं, वहाँ पे भी music, you know, चल रहा है. जो original वाले गाने पे है, वहाँ पे थोड़ा सा ठहराव आ जाता है बीच में, है ना. लेकिन इस गाने में ना वो जो बीट्स है, वो अपबीट जो वाइब है इस गाने की, वो बरकरार रखी है उन लोगों ने. तो मुझे वो अच्छी चीज लगी कि गाने का रिदम, उनका जो मोमेंटम है, वो चेंज नहीं किया गया, जो कि पहले गाने में किया गया था. एंड दैट इज सपोज टू हैपन. और जो मेलोडियस पोर्शंस थे, वो इक्वली अमेजिंग थे. आई लव दिस वीडियो. वीडियो बहुत ही प्यारा है. आप स्माइल करने से आपने आपको रोक नहीं पाओगे. उनके बेटे का रोल कर्ष ने प्ले किया है. ही इज अ ग्रेट डांसर. आप देख सकते हैं, ही हैज डन अ ग्रेट जॉब. वहाँ पे उनकी जो पोर्शंस थे, आदित्य नारायण की आवाज़, उनकी आवाज़ में एकदम फिट बैठ गई है परफेक्टली. एंड यू नो, आदित्य नारायण साउंड्स वेरी मच लाइक उदित नारायण. सो उनकी आवाज़ एकदम जस्ट लुक, दे आर लाइक पानी, पानी के दो धार ऐसे थे. तो आई लव्ड इट, द कॉम्बिनेशन ऑफ आदित्य नारायण, द कॉम्बिनेशन ऑफ उत्कर्ष एंड सनी डियोल, अमीषा पटेल लुकिंग गॉर्जियस. ओवरऑल ग्रेट कॉम्पोजिशन, अमेजिंग वीडियो. मुझे बहुत मजा आया और हॉल पे जरूर इस पे सी किया और तालियां बजने वाली है. आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसा लगा ये गाना, आप लोग को कैसा लगा मेरा रिएक्शन. अगर पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, नीचे कमेंट डालना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा. हेल्प कीजिए मुझे टिके सब्सक्राइबर मार्क पहुंचने पर. आप लोगों को मैं दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए चाओ.